यहाँ से ये हाइट एच है और यहाँ से पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं विद स्पीड वी से, राइट। तो ये कह रहा है कि ऊपर जाके नीचे आएगा, ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा, अगर वो टी लग रहा है, जैसे टी इक्वल टू जीरो पे फेंका और टी इक्वल टू टी पे यहाँ पहुंच रहा है, ऊपर जाने में जो टी टाइम लग रहा है, तो यहाँ से पूरा नीचे आने में जो टाइम लग रहा है वो टी इक्वल टू एन टाइम्स टी लग रहा है, ठीक है ना, शुरुआत से लास्ट तक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, अगर आपने u वेलोसिटी से फेंका, सबसे हाइएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू u प्लस v2, जीरो इज इक्वल टू u माइनस g2, ऊपर पहुंचने में टाइम लगा u by g, तो पूरा मोशन कवर करने में कितना टाइम लगा, n टाइम्स u by g, आया ना। कितना है एन यू बाई जी, एन यू बाई जी, और ये आ गया माइनस का g by 2 कर देता हूँ उसको, सर्च में g में लिखा हूँ g by 2 into nu by g का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस इक्वेशन से आपका रिलेशन आ जाएगा, जो भी रिलेशन आपको समझ में आए, मतलब मैनिपुलेट कर लो इसको, ठीक है। अरे करके दिखाऊं या कर लोगे? ये देखिए ये कितना है एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई टू जी, इज इक्वल टू माइनस एच, आया ना। तो टू जी एलसीएम आ जाएगा, टू जी एच, और ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन इंटू यू स्क्वायर, ये माइनस है ना, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो प्लस का हो गया और ये माइनस वाली चीज़ प्लस, प्लस वाली माइनस की होगी, राइट। ये रिलेशन आ जाएगा, अरे आयन, हाँ सर, ये देख लो किसमें मैच हो रहा है, समझा। एक सेकंड, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, द रिलेशन इज एन यू एंड एच, तो इसमें ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ है ना, टू जी एच, यहाँ पे भी टू एन आया, यहाँ से टू एन आएगा, ये टू एल सी एम आया ना, देखिए तो यहाँ पे ऊपर टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा, एन इसमें से बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यार टू जी एच, एन बाहर कॉमन ले लिया तो एन माइनस टू इंटू यू स्क्वायर, राइट, ये आपको गिवन है। हाँ ठीक है भाई, सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका, और कोई डाउट है? और सर फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में क्या बोल रहा था आपको, द पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड v इज इक्वल टू v रूट एक्स, आई एम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू टाउ, टी पे पूछ रखा है, सही बात है उसमें, तो एक काम करते हैं पहले यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल लो, ये आएगा वी डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स कितना आएगा, बी अपॉन में टू रूट एक्स, सही बात है उसमें, क्योंकि रूट एक्स का वन बाय रूट टू रूट एक्स होता है, तो वी की जगह तो आपने लिख लिया वी रूट बी रूट एक्स, dv by dx की जगह लिख दिया b upon the 2 root x, तो ये कितना आएगा,
रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर बाय टू। अरे आया सर, आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ए डी वी ए इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स लिखा, फिर उधर क्या किया? तो डी वी बाय डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी और वी की वैल्यू पुट कर दी। डी वी बाय डी एक्स पहले निकाल लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स होता है, पता है? इसको x की पावर हाफ रख दो, हाफ को आगे ले आओ, हाँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स हो गया, b तो कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया b स्क्वायर बाय 2, तो t टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया ना हमारे पास, दिस इज कांस्टेंट, राइट? तो अब अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इनिशियली रेस्ट पे था क्या, एक्स इक्वल टू जीरो पे तो वेलोसिटी जीरो ही थी, इनिशियली रेस्ट पे था, तो टी टाइम बाद कितना होगा, बी स्क्वायर टी बाय, ये वेलोसिटी होगी। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, इसने टाउ बोला तो वो भी इसने सिंबल दिया, तो यूज कर। और कोई डाउट है? नहीं सर, सेवेंथ वाला था तो ग्रुप पे पूछ लिया था, ग्रुप पे हो गया ना। हाँ तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में डाउट है पूछो। सर वो नहीं बोला था आपने सर, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का 8 वाला बताओ, पहले पार्ट 2 का 8 वाला बताओ। हाँ सर, a particle starts from origin at t equal to 0 with initial state, initial velocity 3 i square meter per second and moves in x y plane with constant acceleration s. So, ye 3 i square meter per second se ja raha hai at t equal to 0 pe, ye x axis, ye y axis, right, in x y plane with a constant acceleration 6 i cap plus 4 j cap meter per second square. The x coordinate of the particle at the time, at the instant when its y coordinate is 32 meter is 0. So, ye constant acceleration ho gaya. एक एक्सेलेरेशन तो आपका इसका वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हो गया, और दूसरा एक्सेलेरेशन जो आपका 4 हो गया, राइट, जो इसके परपेंडिकुलर है। अरे हाँ या ना? हाँ सर, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन वाई कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर इज 0 मीटर, तो एक इंस्टेंट पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 32 है। प्रोजेक्टाइल हो गया ना, कि वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है शुरुआत में, है क्या? यू वाई जीरो है और ए वाई की वैल्यू कितनी, 4 होगी, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, u y into t plus half u t plus half t square, तो u y की वैल्यू तो 0 है, a y कितना हो गया, 4 into t square, अब ये कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, तो t की वैल्यू 32 सर, t 4 आ गया, t की वैल्यू 4 सेकंड आ गया, मतलब वो 4 सेकंड की बात बता रहा है, t equal to 4 सेकंड, उस टाइम पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस साइड का इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, इस साइड का एक्सेलरेशन दे रखा है, तो x को लिखा हुआ u t 3 into 4 plus half a into t square, a कितना है, 6 into t square कितना होगा, 4 का कितना आएगा, 12 plus 16 48 140, हाँ 40, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, ये आ गया आपको। हाँ जी, पार्ट 1 में डाउट बताइए।
नहीं सर, डाउट पार्ट वन इजी था। पार्ट वन में दो ही क्वेश्चन थे, इजी है, हो गया। और कोई था क्या? तो जबकि पार्ट वन एडवांस्ड वाला है लेकिन उसके क्वेश्चन इजी है। क्या कह रहे हो? पार्ट वन के ऊपर लिखा है ना जी एडवांस, लेकिन और नीचे वाला में मेंस वाला था, मेंस वाला ज्यादा हार्ड था एडवांस से। ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, चैप्टर कभी कभी इसमें टफ आ जाते हैं, इसमें भी आ जाते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज वन में क्या बचा हुआ था? पार्ट थ्री बचा हुआ था। हाँ पार्ट थ्री बोला था। एक्सरसाइज वन में पार्ट थ्री नेक्स्ट का कॉलम में डाउट है क्या? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में कौन सा बताऊंगा? ए बी सी डी में से कोई एक बताऊंगा। सर पूरा फर्स्ट वाले नहीं समझ रहा मैं, कोई एक बताऊंगा, बाकी सब आप उसके अकॉर्डिंग कर। सर v by x जो vx ग्राफ है उसका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा वो समझा नहीं, मतलब। देखिए सारे ग्राफ जो वो बैक की प्रोपोर्शनल वाले हैं, ठीक है ना? हाँ सर। सर पार्ट बता रहा हूँ, अब बी पार्ट में क्या है? बी बताऊँ या कोई और बताऊँ? बताओ कौन सा बताना है। सर ए वाला जो है ना उसका v और x वाला जो ग्राफ है वो बता दो। तो v वर्सेस x है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? v इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू x, जस्ट जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे v बढ़ रहा है, तो v इज इक्वल टू समथिंग k, राइट? आपको क्या बताना है? द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बताओ एक्सेलरेशन कैसे बताया जाता है? सर v डिग्री बाय dx यूनिफॉर्म तो वो तो गलत है। नहीं सर, नॉन यूनिफॉर्म तो है एंड इज डायरेक्टली टू x, इसका मतलब पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ऐसा कुछ नहीं दे रखा आपने, ठीक है ना? यहां से ऐसा टाइम तो है नहीं, एक्सेलरेशन का पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। हां तो ये पता लगा ना, लास्ट वाला सही है, प्योर s सही है, राइट? इसी तरीके से आप कोई सा भी कर सकते हो, आप जैसे लास्ट वाला लेता हूं मैं, d वाला, d वाले में एक t स्क्वायर है और एक v, तो यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि बीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, राइट? हाँ सर। इसको क्या लिखोगे? वी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन निकालना है, वी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, तो डीवी बाय डीटी करोगे, डीवी बाय डीटी करोगे, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 के टी, तो वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो Q and R ऑप्शन आ जाएंगे इसमें, समझे? अरे हाँ या ना, नेक्स्ट का कॉलम टू देखिए, इसमें डाउट है क्या कोई? नहीं सर, हो गया डिस्कशन वन थ्री। लास्ट क्लास में कहाँ तक कराया था अपन ने? सर प्रोजेक्टाइल कर रहे थे हम लोग, और उसमें आपने ये ट्रैजेक्टरी और पैरेलल टू ग्राउंड ये सब दिया था, इन टाइप के आपने बोले थे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट के हम लोग करेंगे, तो एक तो था पहले तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर होगा तो, और या फिर अगर हॉरिजॉन्टल ज्यादा डिग्री पर होगा तो वो, और तीसरे टाइप का भी मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड किया था ना कि 37 डिग्री डाउन द इंक्लाइन करता जाए, फिर मैंने आपको ये बोला था कि अगर यहां से u वेलोसिटी से किसी को फेंकें एट एन एंगल थीटा पे, तो बताइए किस स्पीड से नीचे आके गिरेगा, राइट? आप लोगों ने सॉल्व किया इसको?
यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट u cos theta एंड u sin theta, हाँ या ना? हाँ। तो जब ग्राउंड पे गिरेगा तो इसके पास भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल वाला तो u cos theta ही होगा, तो दो भी चेंज नहीं होगा। हाँ सर। वर्टिकल वाला मान लेता हूँ कि v by a, अरे हाँ या ना, vx की वैल्यू तो u cos theta, तो v by कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, ये वर्टिकल के मोशन से निकलेगा, तो v by सर माइनस h होगा प्लस a by s by, राइट। इनिशियली vy कितना है ऊपर की ओर है, तो u sin theta का होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन किस तरफ है नीचे की ओर है माइनस b, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है नीचे की ओर है माइनस h, तो vy का स्क्वायर आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर theta प्लस 2gx, अरे हाँ ये vy आ गया, तो नेट v जो है नेट v होगा vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, अरे हाँ यार vx का स्क्वायर किसके बराबर है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vy का स्क्वायर किसके बराबर है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, u sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर आ रहा है, u स्क्वायर होगा, u स्क्वायर होगा प्लस 2gh बराबर आ रही सर, तो वो u स्क्वायर प्लस 2gh, 2gh अंदर होता है राइट, तो जिस स्पीड से वो पहुंचेगा वो स्पीड क्या होगी, u स्क्वायर प्लस 2gh, क्या ये स्पीड इस बात पे डिपेंड करती है क्या रखा है, क्योंकि थीटा वाली टर्म तो देखिए नहीं सर स्पीड डिपेंड नहीं करती, बात वही पड़ेगी वो टर्म ऐड होके वन हो जानी, तो बात ये है कि इस बात पे डिपेंड कर रही है कि आपने किस स्पीड से फेंका और कितनी हाइट से फेंका, आया ना, हाँ सर ठीक बात है, तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके एक छत पे जाके, सर एक बार पीछे वाला पेज दिखाना, मैं क्या बोल रहे हो बेटा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पीड है जिससे वो ग्राउंड पे पहुंच रही है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही है राइट, तो एच हाइट पे जाके आप कोई सी भी डायरेक्शन में अगर यू स्पीड से फेंक रहे हो तो किसी भी डायरेक्शन में फेंको, नीचे की ओर फेंको ऊपर की ओर फेंको सब डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड सेम रखनी चाहिए हाइट सेम रहनी चाहिए, तो ग्राउंड पे हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड v से ही गिरेगी और वो v होगी u स्क्वायर प्लस 2g राइट 2g, हां तो यहां पे लिख लेना, ये डायग्राम भी बना लेना नोट में, फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट ball thrown with speed u at any angle theta in any direction reaching the ground with same speed. Suppose speed will be under root of u square plus 2g. Right? Yes, sir. Yes, sir.
डन सर आगे चलो सर एक मिनट प्रोजेक्शन फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट हम सबको पता है कि अगर मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज को रिलीज किया जाता है ना तो उसके पास वेलोसिटी वही हो जाती है जो मूविंग ऑब्जेक्ट की जो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहती है इनर्शिया ऑफ मोशन तो यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये गाड़ी है ठीक है ना और यहां से अगर आपने किसी को स्पीड u से फेंका है थीटा तो यहाँ पे लिख लेना u इज द वेलोसिटी विद विच पार्टिकल इज फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू कार And v is the velocity of car, ठीक है ना? Car with respect to ground. तो ये जो velocity है, ये आपने कार पे खड़े होके बैठा देखा है. मतलब आपको ये पता है, आपको पता नहीं है कि आपकी गाड़ी चल रही है क्या? सही बात है मतलब? मतलब अगर आपकी गाड़ी चल रही होती है तो आपने अपनी नजर में तो इस पार्ट जैसे ये केस वन है इसको एक बार छोड़ दो ऊपर वाले को छोड़ दो इसको मैं बाद में समझाता हूँ पहले इसकी बात करते हैं अगर आपकी गाड़ी चल रही है और आप यहाँ पे खड़े होके कोई चीज को बस छोड़ देते हो जस्ट रिलीज कर देते हो छोड़ देते हो कहीं फेंकते वेंकते नहीं तो आपने अपने रिस्पेक्ट में इसको कितनी वेलोसिटी दी जीरो सही बात है आपने तो बस छोड़ दिया आपको इस बात का नॉलेज नहीं है कि आपकी गाड़ी चल रही थी सही बात है उसका आपने तो अपने हाथ में पकड़ा लेकिन ग्राउंड पे जो बंदा है वो क्या देख रहा है कि जैसे इस पार्टिकल को छोड़ा क्योंकि आपने अपने हाथ में पकड़ रखा था और आप खुद मूव कर रहे थे वी वेलोसिटी से क्यों क्योंकि गाड़ी मूव कर रही थी अब ये जो नीचे बंदा खड़ा है वो तो दोनों को देख रहा है ना गाड़ी को भी देख रहा है आपको भी देख रहा है सही बात है तो उसको पता है कि गाड़ी वी से मूव कर रही है कि आदमी भी वी से जा रहा है लेकिन इस ये जो अंदर आदमी खड़ा है गाड़ी के ऊपर इसको क्या लग रहा है कि मैं रेस्ट पे हूँ सही बात है गलत बात मेरी गाड़ी मूव नहीं हां सर इसने जब बॉल को छोड़ा इसने अपने अकॉर्डिंग जीरो वेलोसिटी से छोड़ा ठीक है लेकिन जो नीचे आदमी खड़ा है वो क्या कहेगा कि जैसे इसने बॉल को छोड़ा इसकी वेलोसिटी कितनी है वी सही बात है गलत बात नीचे वाला आदमी ये बात बोल रहा है तो नीचे वाले आदमी के रिस्पेक्ट में मैं इसका डायग्राम यहाँ नहीं बना रहा हूँ नीचे वाले आदमी रिस्पेक्ट में बोलो ये रिलीज किया इसने रिलीज तो ये जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसके पास वेलोसिटी क्या होगी वी होगी सही बात है ये विद रिस्पेक्ट टू बी है ये विद रिस्पेक्ट टू ए है रिलीज बाय ए अरे हाँ है ना हाँ ये जो बी तो बी ये बोलेगा कि ये पार्टिकल ऐसे जाके गिरे सही बात है लोग क्योंकि इसने इसको वेलोसिटी हाँ सर ये केस आपको समझ में आया सभी बच्चों को नीचे वाला केस हाँ सर यस सर ऊपर वाले की बात करते हैं इस बंदे ने बोला कि मैंने तो फेंका है किस स्पीड से यू से
अब जो नीचे बंदा खड़ा है वो क्या बोलेगा, ये देखो इसने यू से फेंका, इसके पास दो वेलोसिटी थी, किसने, ऊपर वाले बंदे ने, यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, अरे हाँ यार, हाँ सर, अब मतलब एक हिसाब से ये बोल सकता है कि मैंने यू से फेंका थीटा पे, या फिर ये बंदा ये बोल सकता है येलो वाला कि मैंने हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा दिया और वर्टिकल में यू साइन थीटा, लेकिन इसने ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में दी, खुद के रिस्पेक्ट में, और अगर गाड़ी भी जा रही है वी वेलोसिटी से तो गाड़ी की वेलोसिटी भी तो इसमें ऐड होगी ना, क्योंकि जब आप छोड़ रहे थे वेलोसिटी ऐड हो जाती, सही बात है लोग, गाड़ी की ऐड हो, तो यू कॉस थीटा में ऐड करेंगे, आईक्यू में आईक्यू जुड़ता है, जेक्यू में जेक्यू जुड़ता है, इसकी यू कॉस थीटा में वी ऐड हो जाए, सही बात है लोग, हाँ सर। अब ये प्रोजेक्टाइल जो करेगा उसकी हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा प्लस वी होगी, अब ये प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सही बात है क्या सर, यस सर, सही बात समझ में आया भाई, यस सर, किसी बच्चे को कोई भी तकलीफ, समझा सर, आगे चलते हैं। अगर आपकी गाड़ी पीछे जा रही है v वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पे, तो बताइए क्या होता सर, तो u cos थीटा में v को माइनस कर देते, हाँ u cos थीटा में v को माइनस कर देते, राइट, ऊपर की वेलोसिटी, हाँ सर, अच्छा अगर मैं ये बोलूं कि आपकी गाड़ी एक्सेलरेशन से जा रही है, वेलोसिटी भी है तो मोमेंट पे जब इसने थ्रो किया था, आया ना, तो पहले तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायग्राम बनाएंगे, तो वो तो यू कॉस थीटा प्लस वी हो जाएगा, राइट, अब एक्सेलरेशन की बताओ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, जी वर्टिकल का, और हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन भी ए हो जाएगा, ये पहले इसका खुद का तो जीरो है, उसमें ए ऐड हो जाएगा, सही बात है गलत बात, ये बात समझ में आएगी आपको, हाँ सर, ये भाई इसका खुद का हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन क्या होता, जीरो होता, अरे हाँ या ना, अगर अपन फेंकते हैं, लेकिन अपन एक ऐसी गाड़ी से फेंक रहे हैं जिसका एक्सेलरेशन ए है, तो वो एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में जीरो प्लस, अरे हाँ या ना, ये गलत है, हाँ, ये ड्रॉ करके गलत मार दो, एक्सेलरेशन कभी भी कैरी नहीं होता, वेलोसिटी कैरी होती है, एक चलती हुई ट्रेन से आप उतरते हो, अगर ट्रेन स्पीड पकड़ रही है तो उसके साथ साथ तुम भी नीचे उतरने के बाद स्पीड पकड़ते हो क्या, नहीं सर, बस वेलोसिटी मिलेगी हमको जो जिस स्पीड पे हम उतरे, हाँ बस आपके पास वेलोसिटी कैरी हो जाती है, एक्सेलरेशन तो आपका खुद का होता है ना, कि आप रुक जाते हो थोड़ी देर बाद, डीएक्सेलरेट होते हो आप, हाँ सर, हाँ सर, आप डीएक्सेलरेट होते हो और रुक जाते हो, गाड़ी अगर स्पीड पकड़ रही है तो आप थोड़ी स्पीड पकड़ रहे हो उसके साथ साथ, फिर तो गाड़ी की हमेशा बराबर ही भागते रहोगे, गाड़ी से उतरते टाइम गाड़ी का एक्सेलरेशन कैरी नहीं होता है, केवल वेलोसिटी कैरी होती है, तो गाड़ी का चाहे एक्सेलरेशन कुछ भी हो, हमें इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन नहीं लेना है, समझ में आ रही है बात, हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटा, यस सर, तो ये बना के इस पे क्रॉस मार देना कि दिस इज रॉन्ग, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज स्टिल जीरो,
in horizontal direction of particle in horizontal acceleration of particle in horizontal direction is zero. सर एक सेकंड सर पिछला पेज दिखाना पे कर लो इस तरह की क्वेश्चन. हाँ सर अगर गाड़ी वर्टिकल में जा रही है और फिर आप देखिए तो सर तो उसके u sin थीटा में v ऐड हो जाएगा. u sin थीटा में v ऐड हो जाएगा राइट. हां ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहे हैं अपन डायग्राम ठीक है. एक्सेलरेशन v रहेगा ठीक है बेटा कर लोगे ना इस तरीके से. हां सर नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. Projection on an inclined plane. जैसे यहाँ पे कोई पहाड़ है राइट. जो कि एंगल थीटा है और आप क्या कर रहे हो ये ग्राउंड है. आप प्रोजेक्शन करवा रहे हो यहां से इस एंगल में बीटा ले लेता हूं और आप प्रोजेक्शन करवा रहे हो यहां से और ये एंगल है अल्फा ना. विद स्पीड यूज समझ में आ रही है बेटा बात. हाँ सर तो यहां से ये क्या होगा कि जब ये प्रोजेक्शन करेगा तो यू जाके गिरेगा आई एम. हाँ सर तो आज तक जो हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ रहे थे उसमें मैं जहां से फेंक रहा था उसी प्लेन में जाके गिर रहा था. सही बात है. हाँ सर. इस पढ़ने इसको पढ़ने का मेरा तरीका क्या था कि मैं इस मोशन को दो डायरेक्शन में तोड़ लेता हूँ. एक तो वो प्लेन जिसके ऊपर प्रोजेक्टर हो रहा है और एक उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन. सही बात है. यस सर. के दो कंपोनेंट लेता था u cos theta and u sin theta. अरे हाँ यार ux and uy बोल देता हूँ. हाँ सर. और acceleration तो चलो केवल y में ही था
तो उसका कोई हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट आएगा नहीं, आया ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे भी अगर देखें हम तो यहाँ पे दो डायरेक्शन में कौन कौन सी है, एक्स और वाई लेना मेरे लिए बढ़िया रहेगा क्या? नहीं सर, एक्स और वाई में कंपोनेंट लेंगे तो इसके अलोंग नहीं आएगा ना प्लेन। देखिए मौसम तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था, बस वो मौसम यहाँ तक होता तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह निकाल लेता ग्राउंड टू ग्राउंड का, राइट। लेकिन वो इतने कोई पहाड़ आ गया तो मौसम यहीं पे खत्म हो गया। हमें इसको पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका कि गैलीलियो ने क्या बोला था कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, उसने एक्स और वाई नाम लिया क्या? नहीं सर, कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वेक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मैंने तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लिया, तो मैंने एक डायरेक्शन तो ये ले ली और एक डायरेक्शन और एक उसके परपेंडिकुलर ये वाले ले ली। हां यार, हां सर, तो मेरी बात। तो अब इसको x और y एक्सिस ना बोल के मैं बोल रहा हूं इसको 3 एक्सिस एंड 2 एक्सिस, सही बात है मतलब? हां सर, इसको q बोल देते हैं। ठीक है बेटा, हां सर। अरे बात है, पार्टिकल जब हवा में होता है तो धरती में फोर्स किधर लगाएगी, इधर लगाएगी या फिर नीचे की ओर लगाएगी? सर नीचे ना, नीचे की ओर लगाएगी। ग्रेविटी का फोर्स हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है, आप मोशन को कैसे पढ़ रहे हो वो आपकी मर्जी, सही बात है मतलब? ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर वर्टिकल डाउनवर्ड। अरे हाँ या ना? हाँ सर, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्रेविटी के भी दो कंपोनेंट ले लेता हूँ, सही बात है मतलब? यहाँ पे ग्रेविटी लग रही होगी, इस पे इस ग्रेविटी के भी दो कंपोनेंट ले लेता हूँ, मैं ऐसे बना लेता हूँ इधर सर, एक माइनस पी एक्सिस के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर है क्यू एक्सिस उसके अलोंग, सही बात है मतलब? क्यू एक्सिस, हाँ सर। तो क्योंकि मैं मोशन को इसी के अलोंग पढ़ता हूँ, तो इस ग्रेविटी के दो कंपोनेंट कैसे आएंगे देखिए, ये जो पी एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है? तो ये एंगल कितना होगा इस प्लेन के साथ जो ग्रेविटी बनाएगी वो कितना एंगल होगा बताइए? सॉरी थीटा नहीं है, ये बीटा है। हाँ सर, ये बीटा है। तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस बीटा, क्योंकि इसको अगर ट्रायंगल को पूरा कर ये 90 होता है, ये 90 हाँ तो 90 माइनस बीटा हो गया, वो ये 90 माइनस बीटा होगा। तो ये एंगल कितना हो गया, क्योंकि पी एक्सिस और क्यू एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, टोटल एंगल 90 है, जिसमें से एक 90 माइनस बीटा हो गया तो दूसरा क्या हो गया, बीटा। अरे हाँ यार, ये पूरा एंगल 90 माइनस बीटा है ना, पी एक्सिस और क्यू एक्सिस के बीच का टोटल एंगल 90 है, सुन रहे हो भाई मेरी बात? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि ये एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा होता है। अरे हाँ या ना? तो क्यों जी जी कोस बीटा और जी साइन बीटा, एंड ये जी साइन बीटा। हाँ सर, अब यहाँ पे जो पहले जो मैं जब वो पढ़ता था प्रोजेक्टाइल, ये वाला जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा मैंने, इसमें क्या था कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन जीरो, सही बात है मतलब? और वर्टिकल का एक्सेलरेशन था। अब मेरे पास क्या डिफरेंस हो गया कि मेरे पी एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन है जी साइन बीटा और क्यू एक्सिस के अलोंग भी एक्सेलरेशन है जी कोस, राइट? तो दोनों डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन एक्सिस आया ना, तो इस पर हम पढ़ चुके हैं, बस इससे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा? यस सर, ये पी एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास इस मोशन को मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूँ, एक तो ये हो गया कि मोशन हो रहा है क्यू एक्स पी एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा हो रहा है क्यू एक्सिस के लॉन्ग ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, आया ना? हाँ सर।
भाई ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, तो वो ना तो पी एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना ही क्यू एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट। हां सर, बस वो दोनों को एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, इसके दो कंपोनेंट हो रहे हैं। क्या नहीं समझा इसमें ये बता। हां भाई अनिल, अर्थ इस g के दो कंपोनेंट तोड़े हैं, और ये मैं आपको रेक्टिलिनियर में उसमें मैथमेटिकल में बताया था ना कि इस फोर्स के दो कंपोनेंट कैसे तोड़े जाते हैं, मैंने ये भी बताया था कि ये वहां पे बहुत काम आएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ये होता है f sin थीटा, ये होता है f cos थीटा, बताया था, ये mg होता है, तो mg sin थीटा और mg cos थीटा। नहीं याद है तो मैं दोबारा बताऊं, आपका ग्रेविटी लग रहा है ऐसे, इस लाइन के अलोंग, वर्टिकल लाइन के अलोंग, इसके दो कंपोनेंट तोड़ने हैं आपको, एक तो इस अलोंग द इंक्लाइन के और एक इसके परपेंडिकुलर, समझ में आ रही है बात। अगर ये एंगल थीटा है और ये 90 है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, सही बात है गलत बात। हाँ सर, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, तो ये टोटल 90 है। यस सर, इसमें से एक 90 माइनस थीटा होगा तो दूसरा थीटा, तो बात ये कि ये थीटा होता है तो ये वाला थीटा होगा, तो अगर ये नीचे की ओर g है और ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना होगा, g cos थीटा, तो g cos थीटा, तो दूसरे वाला कितना होगा, g sin थीटा, g sin थीटा, ये तो किया, अब समझा भाई। हाँ सर, हाँ सर, तो इस मोशन को दो पार्ट के अलोंग तोड़ रहा हूं मैं, एक तो पी एक्सिस के अलोंग और एक क्यू एक्सिस के अलोंग, तो ये पी एक्सिस हो गया। हां सर, पी एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस अल्फा, और क्यू एक्सिस के अलोंग कितनी है, यू साइन अल्फा, आया ना, ये हो गया यू कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया जी साइन थीटा, क्यू एक्सिस के अलोंग हो गया यू साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया सी कॉस थीटा। अब हमें ये है कि कितनी देर में ये ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो वह तो क्यू एक्सिस के मोशन से ही पता चलेगा कि ऊपर जाके जब वापस गिर जाएगा तो मोशन खत्म हो जाएगा, सही बात है गलत बात। हाँ सर, हाँ सर, ऊपर जाके जब वापस गिर जाएगा तो मोशन खत्म हो जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, हमें पता है कि जो जाने की वेलोसिटी होती है वही आने की वेलोसिटी होती है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, सही बात है गलत बात। यस सर, हाँ सर, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी, जो जाने की वो आने, राइट, तो यू साइन अल्फा ऊपर गया तो यस सर, तो इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट वही वाला केस हो जाएगा, तो इसको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है अपने को, तो हम क्या करेंगे, वी क्यू इज इक्वल टू यू क्यू प्लस ए क्यू इंटू टी, राइट, यस सर, वी अलोंग क्यू एक्सिस, तो फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो इसको माइनस बोल देता हूँ, माइनस यू साइन अल्फा, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी इसको प्लस यू साइन अल्फा बोल देता हूँ, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो माइनस का जी कॉस थीटा बोल देता हूँ, टाइम को टी बोल दिया, राइट, तो टी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, राइट। हाँ सर, तो u sin alpha upon g cos theta, तो ये टाइम ऑफ लाइट आ गया, इसको मैं टाइम ऑफ लाइट को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 2u perpendicular, u along q axis,
हमने ए अलोंग क्यू एक्सिस, अरे हाँ है ना, और क्यू एक्सिस तो परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्चुअली, दैट इज टू यू परपेंडिकुलर अपॉन में ए परपेंडिकुलर, अरे हाँ है ना, हाँ डन सर, एक सेकंड Yes, sir. अभी अपन ये बताइए इसमें हाइट का करना है अपने को, मैक्सिमम हाइट निकालनी, कैसे निकालोगे, वर्टिकल के मोशन से निकालोगे, सही बात है मतलब, हाँ सर, हाइट निकालनी, तो वो किसके बराबर आएगी, v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू u2 का स्क्वायर प्लस 2aqs2, फाइनल टू डायरेक्शन पर, तो फाइनली जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तो q डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सही बात है मतलब, यस सर, q डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो कितना आएगा बताइए, ये जीरो हो गया, u अलोंग q डायरेक्शन कितना सर, u sin अल्फा, u स्क्वायर sin अल्फा प्लस टू ए अलोंग क्यू डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो माइनस का जी कॉस बीटा, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है ना, हाइट, हाँ सर, तो हाइट वो है ना अपना, मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है, एच की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कॉस बीटा, राइट, अरे हाँ, हाँ सर, तो ये भी किसके बराबर आया, u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में 2a परपेंडिकुलर, नहीं समझे क्या, समझे सर, अच्छा सर ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया ना सर, अगर बस ग्राउंड लेवल में करे तो भी ये इक्वेशन ट्रू होता है, हाँ तब भी ट्रू होता है, लेकिन वहाँ पे ए परपेंडिकुलर जी होता है पूरा ही, यहाँ पे होता है जी कॉस थीटा, इसीलिए मैं बार बार इस फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, तुम अब समझे हो, हाँ नहीं सर बोल रहे सर, ठीक है ना, बस वहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे a परपेंडिकुलर जो है वो g cos बीटा है इंस्टेड ऑफ g, बाकी फॉर्मूले दोनों सेम है, हां सर सेम ही है, मोशन सेम है तो सेम है ना फॉर्मूला, हां सर वर्टिकल प्लेन में तो वैसा ही मोशन हो रहा है, बस g की जगह g cos बीटा है और कुछ नहीं, हां बस g सही सर, एक्सेलरेशन और टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट जो है ये तो परपेंडिकुलर मोशन पे डिपेंड करता है ना, हॉरिजॉन्टल मोशन पे थोड़ी डिपेंड करता है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मेनली किस में है, हॉरिजॉन्टल मोशन में डिपेंड है,
सर हॉरिजॉन्टल मोशन में, क्योंकि उसमें भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो गया, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, राइट? अरे हाँ, अब अपने को रेंज निकालना है हॉरिजॉन्टल मोशन का, तो रेंज की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में देखिए क्या हुआ, आपने U cos अल्फा दिया और एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, आयन आता तो ये U along Px हुआ, और आपको ये बतानी है रेंज, रेंज along the incline, तो टाइम कितना दे रहा है, कितने देर का टाइम आपके पास, टाइम है 2U sin अल्फा अपॉन, ये अभी अपने कह रहे हैं इतनी देर में कितना चल लेगा, तो s is equal to ut plus half at square लगा रहे हैं, और कौन सी डायरेक्शन का लॉन्ग लगा रहे हैं, t डायरेक्शन का लॉन्ग, क्योंकि रेंज निकाल, इसको मैं r बोल देता हूँ, ये आएगा u cos alpha into t, t किसने क्या रख दूंगा बेटा, ये वाला कितना आएगा, ये 2u sin alpha upon g cos theta, अरे हाँ यार प्लस हाफ, एक ही जगह आ जाएगा माइनस का जी साइन थीटा, अरे राइट इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना आएगा 2u sin alpha upon g cos theta होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, हाँ सर u स्क्वायर 2 sin alpha cos alpha, upon g cos theta, plus में ये minus है यहाँ पे, तो minus लगा लेता हूँ, और यहाँ पे चीज देखिए बहुत बढ़िया से, अब सारे बच्चे ध्यान से देख पाएगा, ठीक है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये नीचे है जी स्क्वायर, जी और ये स्क्वायर, जी स्क्वायर और यहाँ पे है जी, सही बात है, तो ये एक yes, यहाँ पे बचेगा एक जी, ठीक है, yes. दूसरा देखिए यहाँ पे है टू और यहाँ पे है टू का स्क्वायर, एक टू कैंसिल हो जाएगा एक टू से, तो यहाँ पे बचेगा केवल एक सिंगल टू, सही बात है, हाँ, सर टू बच गया साइन बीटा, ये क्या है u square, u square ये मैं ये आगे लिख देता हूँ, और sin square alpha, हाँ या ना, हाँ सर, और नीचे सिंगल z और cos square beta, cos beta, हाँ cos square beta, हाँ सर, अब यहाँ पे LCM क्या आया, g cos beta, g cos square beta, LCM क्या आएगा, जी तो आई गया, दोनों में कॉमन है, कॉस बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, अरे हाँ यार कॉस स्क्वायर थीटा सर, हां कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एलसीएम है जी कॉस स्क्वायर बीटा, जी कॉस स्क्वायर बीटा होगा जी कॉस, हां तो इधर कॉस बीटा, तो यहां से मैं कॉमन वाली चीज ले लेता हूं, कॉमन क्या क्या है देखो, यू स्क्वायर 2 2 साइन अल्फा, साइन अल्फा यहां पे 2 यू स्क्वायर और एक साइन अल्फा चला गया, साइन अल्फा, हाँ तो एक साइन अल्फा रहेगा, हाँ तो टू यू स्क्वायर साइन अल्फा, ये तो बाहर कॉमन ले लिया, हाँ सर, अब अंदर जो टर्म है, अंदर टर्म यहाँ पे क्या बचती, कोस अल्फा, और एक नीचे वाले कोस बीटा से मल्टीप्लाई हुआ था, कोस अल्फा कोस बीटा, सही बात है, गलत बात, हाँ सर, हाँ सर, माइनस यहाँ पे कुछ किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसके तो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम, तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन बीटा साइन अल्फा, अरे हाँ या ना, सुन रहे हो भाई मेरी बात, जाएगा, हाँ सर, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, 2 u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर, अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, दिस इज रेंज,
ठीक है ना, ये रेंज का प्रॉब्लम है और ये आपको याद भी रखना है, इसलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप, समझ में आ रही है बात मेरी? सर ऊपर का दिखा सकते क्या? हाँ सर, दिख रहा है तेरे को सर? हाँ सर दिख, यस सर दिख, छाप लो फटाफट। हो गया क्या सभी का? तो यहाँ पे ना अभी रखना कि अल्फा क्या था और बीटा क्या था, विशेष करके क्योंकि फॉर्मूले में अल्फा और बीटा आ रहे हैं। तो बीटा तो इंक्लाइन का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, और अल्फा वो एंगल है कि जिससे आपने फेंका इंक्लाइन के साथ, राइट? विशेष करके इस बातों का ध्यान, ठीक है? अगर इसी में मैं ये ले लूं कि नीचे से ऊपर फेंकने के बजाय ऊपर से नीचे फेंक, हाँ सर, मैं यहां से फेंक, यूज फिर से एट एन एंगल अल्फा, ठीक है? तो बताइए कितनी देर बाद गिरेगा, कितनी हाइट होगी? इस बात को ना तुम ऐसे से समझो, मतलब आप थोड़ा सा ऐसे डायरेक्टली थोड़ा लॉजिकली सोचा था। तुम एक चीज बता सकते हो कि कौन सी चीजें ऐसी है जो आप डायरेक्टली आप बिना सोच के बता सकते हो? हाँ सर, डिस्क का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बता सकते हैं? नहीं, वो सब तो चीजें बताई सकते हो, मतलब टाइम ऑफ लाइट, रेंज और हाइट में से कौन सी ऐसी चीज है जो आप बिना सॉल्व किए बता सकते हो? भाई यहाँ पे मौसम में डिफरेंस क्या है? तो पी एक्सिस के अलावा यू जो नीचे से लगा था अभी ये ऊपर से लगा है। पी एक्सिस के अलावा जो मौसम था बस उसमें क्या है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गए। क्यू एक्सिस के मौसम में कोई डिफरेंस है क्या? क्यू एक्सिस का मौसम तो वही, यू हां सर, तो टी और एच तो वही होगा और जी कॉस बीटा नीचे की ओर, तो टी और एच वही रहेंगे जो पहले थे, आया ना? हां सर, हाँ सर, रेंज ही चेंज होगा खाली। समझ में आ रही है बड़ा बात? हाँ सर। अरे सभी बच्चों को समझ में आई? एक बच्चा बोल रहा है बस,
हाँ सर डिफेंस क्या कहाँ आएगा, बस यहाँ डिफेंस आएगा, आया ना? यस सर। रेंज के अंदर, तो रेंज की बात करें तो क्या होगा, यूपी प्लस हाफ एच इसके लगाया अभी, जब ये नीचे ही जा रहा है तो इधर की डायरेक्शन कोई पॉजिटिव ले लेता हूँ, यू कोस अल्फा इनटू टी, पीछे वाली चीज और इस वाली चीज में डिफरेंस कहाँ आया है? पीछे वाली जो इक्वेशन थी और ये वाली इक्वेशन, सर माइनस जी साइन थीटा प्लस साइन भी हो गया, यहाँ पे माइनस था, माइनस जी था, प्लस हो गया, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। हाँ सर, प्लस तो cos alpha cos beta plus sin alpha minus cos alpha minus beta हो जाएगा, ये डिफरेंस होगा, राइट? हाँ सर। तो यहाँ से मैं रेंज को डायरेक्ट बोल लिख देता हूँ, वही वाला 2 u square sin alpha cos alpha alpha minus beta upon g cos beta, ठीक है बेटा? जहां पहले माइनस था वहां पे प्लस कर देना, बस फाइनली वही रिजल्ट आ जाएगा। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। डन सर। आगे चलो भाई, सही बताऊं समझ में आया यहाँ तक? क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? तो इससे पहले मैं एक आपको चीज बता देता हूं, आप जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो उसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि मैक्सिमम दूरी पे कब जाके गिरेगा, तो कौन से एंगल पे गिरता था? क्या सर? कि मैक्सिमम दूर जाके गिरना चाहिए, रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए। सर 45 डिग्री, 45 डिग्री एंगल होना चाहिए। 45 डिग्री एक्चुअली क्या है देखो, ये जो वर्टिकल लाइन है सर, और किस प्लेन पे हमारा प्रोजेक्टाइल हो रहा है? हॉरिजॉन्टल पे। इस वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल में जो एंगल था उसका एंगल बाइसेक्टर पे अगर आप फेंक रहे हो, हाँ सर सही बात है,
हाँ सर, हाँ सर, एंगल था एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, उसका एंगल बन सकता है। यहाँ पे भी अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल बीटा है तो ये वर्टिकल लाइन के साथ आपका प्रोजेक्टाइल कौन से प्लेन पे हो रहा है? इस इंक्लाइन प्लेन पे हो रहा है ना अभी, तो वर्टिकल लाइन इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है? सर 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। और अगर मैं बोलूं कि आपको अगर मैक्सिमम दूरी पे फेंकना है तो इसके एंगल बाइसेक्ट होते थे, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। अल्फा जो होना चाहिए आपका, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 माइनस बीटा बाय 2, बाय 2। हाँ सर, सही बात। आर्म और रेंज टू बी मैक्सिमम, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो ये होगा 45 माइनस बीटा बाय 2, 45 को लिख देता हूँ पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2। दिस इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तकलीफ है बेटा? नहीं सर। और इसी तरीके से डाउन द इंक्लाइन के लिए आपका वर्टिकल लाइन के साथ ये एंगल कितना है? ये अगर एंगल बीटा है बताइए ये एंगल कितना हो? यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बना देता हूँ, अब तो बता ही सकते हो ना? हाँ सर, 90 प्लस बीटा होगा। 90 प्लस बीटा हो जाएगा। अरे हाँ या ना? पूरा एंगल। हाँ सर। This angle is 90 plus beta. और अगर आपको मैक्सिमम रेंज से फेंकना है तो आपको क्या फेंकना पड़ेगा? इसके एंगल 90 plus beta by 2 एंगल पर। अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर आर टू बी मैक्सिमम? पाई बाय 4 माइनस बीटा बाय 2। अल्फा शुड बी इक्वल टू 90 प्लस बीटा बाय 2। यहाँ पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है बेटा? आगे चलो, हो गया बेटा? यस सर। चलिए एक क्वेश्चन लिख ले। The bullet is fired from the bottom of the incline. At an angle at 37 degree with an inclined plane. The angle of an incline is 30 degree with horizontal.
find range, maximum height from the incline, from incline surface. Second, time of flight, third, range along the incline, next, the maximum range possible. ये क्वेश्चन आप घर से करके लाइएगा और आप लोगों के लिए होमवर्क है प्रोजेक्टाइल का एक्सरसाइज वन पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री कंप्लीट. अच्छा एक्सरसाइज वन तो मैंने दे दिया था ना कल. हाँ सर एक्सरसाइज वन का पार्ट वन पार्ट टू का एबीसी बोला था. पार्ट वन पार्ट टू का एबीसी दिया था. एक्सरसाइज वन रिमेनिंग जो भी बचा होगा कर लेना. एक्सरसाइज वन पूरा करना है मतलब. एक्सरसाइज थ्री का भी थोड़े ही क्वेश्चन है उसमें ज्यादा नहीं है. एक्सरसाइज थ्री भी पार्ट वन एंड पार्ट टू कर लेना. ठीक है अरे आवाज आ रही है. हाँ सर. नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज वन एंड एक्सरसाइज थ्री पूरा कंप्लीट डिस्कस करूंगा मैं प्रोजेक्टाइल का. ठीक है बेटा. ओके सर. चल बाय एवरीवन. बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर.